मौजम्स किचन में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं मुगलाई चिकन करी। इसके लिए हम लेंगे 2 बड़े प्याज और इसे इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर हम इस तरह एक वायर रैक पे रख देंगे। इसे हम अच्छी तरह से स्लो गैस पे भून लेंगे हल्की आंच पर। देखिए इस तरह से हल्का हल्का भून लेंगे तब तक कि इसका एक कलर चेंज ना हो जाए। इस तरह से भून जाता है, हल्का हल्का इसे भून लीजिए। इसका कलर इस तरह से देखिए चेंज होने लगेगा, थोड़ा सा जला हुआ थोड़ा सा स्मोकी इफ़ेक्ट आ जाएगा। अब हम लेंगे यहाँ पर हमारा भुना हुआ प्याज, 4 से 5 कन लहसुन, 4-5 हरी मिर्ची और 2 बड़े टमाटर। एक मिक्सी में हम ये हरी मिर्च डाल देंगे और इसके साथ ही डाल रहे हैं हम हमारा लहसुन, टमाटर और ये भुना हुआ प्याज। ये भुना हुआ प्याज जो है इससे बहुत ही लजीज और टेस्टी फ्लेवर आता है ग्रेवी को। आप देखेंगे जब आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा। अब इस टमाटर को मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट रही हूँ क्योंकि ये तो वैसे भी मिक्सी में पिस ही जाएगा, तो बड़े टुकड़ों में इस तरह से काट करके आप डाल दीजिए। देखिए इस तरह ऐसे मैं इसे काट रही हूँ बिग बिग पीस में और इसमें हम इसे डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी काली मिरी, 1 दालचीनी, 4 चम्मच खट्टी दही। दही खट्टी होगी तो बहुत ही बेहतर होगा। इसमें हम 4 छोटे चम्मच खट्टी दही डाल देंगे। अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 4 से 5 लवंग, काजू 5 से 10 और 1 मुट्ठी भर मगज के दाने। 2 इलायची हम लेंगे और इसे इस तरह से साफ करके इसमें डाल देंगे। इलायची हम कभी भी पूरा नहीं डालेंगे, इसे तोड़ करके इसके अंदर का जो पोर्शन है यही हम डालेंगे मिक्सी में, तो ये बेहतर होता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें एक और टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर से जो है ग्रेवी थोड़ी थिक भी होती है और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब इसमें कुल मिला के हम 3 टमाटर डाल रहे हैं। तो इस टमाटर को भी मैं इस तरह से काट करके बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके इसमें डाल दूँगी। अब इसे हम पीस लेंगे। और ये है हमारा चिकन जिसे मैंने मैरिनेट किया है 2 घंटों से। इसे मैरिनेट करने के लिए 2 चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच नमक, 2 छोटी चम्मच चिली पाउडर यानी कि मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे अब हम, और 1/2 नींबू अगर बड़ा है तो 1/2 नींबू, छोटा है तो 1 नींबू, 1 चम्मच खट्टा दही, 1 चम्मच राई का तेल। ये है हमारा मसाला, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 किलो चिकन, इसे हमने अच्छी तरह से सफ़ा करके रखा हुआ था, इसे हम इस तरह से अब इस मसाले में अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैं हाथों से मिलाती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से मिल जाता है हाथों से, आप चम्मच से भी मिला सकते हैं। इसे 2 घंटा आप साइड में रख दीजिए आप मसाला लगा करके। और अब एक बड़े से पतीले में 2 से 3 चम्मच तेल ले लीजिए। इसमें अब ये जो पिसा हुआ मसाला है हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को तेल में। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से भून लीजिए जब तक कि ऊपर तेल ना आ जाए। अब ये चिकन जो है हम इसमें धीरे धीरे करके इस तरह से डाल देंगे ऐसे। चिकन को इसमें अब हम ऐसे धीरे धीरे करके डाल देंगे, नहीं तो तेल जो है वो उड़ के आ जाता है ऊपर, तो धीरे धीरे करके ऐसे डाल दीजिए। अब इसे एक अच्छे से मिला लीजिए मसाले में चिकन को, देखिए ऐसे। और ये जो मिक्सी में जो मसाला लगा हुआ है और पतीले में जो मसाला लगा हुआ है उसे हम पानी से हल्के से सफ़ा करके डाल देंगे ताकि मसाला वेस्ट ना हो।
अब ये चार आलू ले रही हूँ मैं, इसे अच्छी तरह से धो करके मोटे मोटे टुकड़े काट करके इसमें आप डाल दीजिए। आलू मैं डालती हूँ करी में और ग्रेवी में, क्योंकि आलू मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं डाल देती हूँ। अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डालिए, पर आलू काफ़ी टेस्टी लगता है इस मुगलाई चिकन ग्रेवी में, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे अच्छी तरह थोड़ा इसे मिला लेंगे आप, और एक चम्मच नमक हम डाल देंगे। अब मैं इसे अच्छी तरह से एक बार मिला करके ढक देती हूँ। अब ढकने के लिए इस तरह का एक प्लेट ले लीजिए जिसमें पानी हम जमा कर सकते हैं, और पानी इस तरह से उबल जाता है उस पर। अब इसी पानी को अब हम इसमें डालेंगे, ठंडा पानी कभी भी हम किसी भी ग्रेवी में नहीं डालेंगे। अब ये है थोड़ा सा क्रीम मलाई, इस मलाई को मैं अच्छी तरह से फेंट रही हूँ चम्मच से। इस तरह से फेंट लीजिए मलाई को, देखिए कटोरी में अच्छी तरह से ये फेंट रही हूँ मैं। ये ताज़ी मलाई है दूध पे जमी हुई, और ये इस तरह से मैं 2 टेबलस्पून के करीब मलाई इसमें डाल रही हूँ। देखिए अब इसे एक तरह से चला लेंगे और अच्छी तरह मिला लेंगे। मलाई से जो है टेस्ट बहुत ही रिच और फ्लेवरफुल आ जाता है, इसमें बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए इस तरह से मलाई मिल भी गई इसमें, और कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है। यह है कसूरी मेथी, करीब 1 टीस्पून कसूरी मेथी को इस तरह से आप हाथों से क्रश करके ऐसे डाल दीजिए ऊपर से। इससे भी एक अलग जायका आता है, बहुत टेस्टी लगता है। और लास्ट में जो है हम हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया इसे गार्निश करेंगे। इसे आप हम गरम गरम सर्व करेंगे रोटी के साथ, फुल्का के साथ, चावल के साथ, बिरयानी राइस के साथ। इसे बहुत सारे डिशेस में आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको पसंद आएगा घर में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, अलविदा।